नमस्कार, स्वागत है आपका रसोई की पाठशाला में। आज की रेसिपी पीनट चटपटी भिंडी, जिसको हम बनाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से। जानेंगे किस तरीके से भिंडी लेनी चाहिए और कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे जिसको हम मसाले में डालेंगे यानी कि स्टफ करने के लिए, और किस तरीके से हम भरेंगे भिंडी को, और कैसे भिंडी लें जिसमें आसानी से आपका स्टफ हो जाए। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले मसाला बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे बोल, यानी कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स लेंगे। यहाँ पे मैंने छीला हुआ सेंधदाना ली और साथ में 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने डाली हूँ तिल्ली, फिर बाद में यहाँ पर हल्दी, ये भी 1 टेबलस्पून है, फिर बाद में 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे ली लाल मिर्च पाउडर, फिर उसी के हिसाब से मैंने गर्म मसाला, फिर जीरा पाउडर, ये सब 1-1 टेबलस्पून है। और यहाँ पर मैंने आमचूर ली, आप चाहिए तो आप कच्चा आम भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पर ली हूँ तेल, और फिर बाद में स्वाद के अनुसार यहाँ पे मैंने नमक ली। तेल मैंने इसलिए डाली कि जो हम जो भी सब इंग्रेडिएंट्स डाले ना उसको अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और उसकी टेस्ट भी एनहांस हो जाए। अब हम इसको स्टफ करेंगे। अब यहाँ पर करीब मैंने 100 ग्राम भिंडी ली, जिसको अच्छी तरीके से मैंने धो ली, और ऊपर नीचे से कट करने के बाद हमें भिंडी किस तरीके से लेनी चाहिए। भिंडी हमें मीडियम साइज़ की लेनी चाहिए। एकदम से आप बड़ी लोगे और मोटी लोगे ना तो उसमें आपको रेशे मिलेंगे। अगर आप सोचें स्टफ़ करने के लिए हमें बड़ी और मोटी चाहिए तो वो आपको रेशे मिलेंगे भिंडी पर। इस तरीके से आपको वर्टिकल कट करने के बाद फिंगर से यानी कि थंब के सहारे आपको उसमें गैप बनाने का, यानी कि स्पेस थोड़ा क्रिएट करने का है, फिर आप उसमें मसाले अपने स्टफ करेंगे। मैं आपको दूसरा भी करके दिखाती हूँ। शार्प नाइफ से आप ऊपर से नीचे से एकदम आराम से कट करेंगे। अगर आपने ज़ोर से कट किया तो हो सकता है नीचे से भी कट जाएगा, तो आपको थंब के सहारे उसको गैप देने का, फिर बाद में आपको जो मसाले हमने बनाए थे उसको आपको स्टफ़ करने का है। अच्छे से स्टफ़ करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा उसमें आप उसको झा मतलब गिरा देंगे, यानी कि रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से मेरे सारे अच्छे तरीके से मैंने स्टफ़ कर दी। देखिए कितने अच्छे तरीके से कि उसमें लेयर में दिख रहा है। तो चलिए इसको देखते बनाते हैं अभी। अब यहाँ पर मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने करीब 2 चम्मच तेल डाली यहाँ पर। जब तेल को मैं इस तरह से थोड़ा फैला रही हूँ, फिर बाद में जब हल्का सा तेल आपका गर्म हो जाएगा तब यहाँ पर मैं डालूँगी 1 चम्मच पचफोरन। अगर आपके पास पचफोरन नहीं है तो आप इसमें जीरा भी इसमें यूज़ कर सकती हैं। फिर बाद में हल्का सा जब मेथी हमारे स्मेल आने लग जाए, यानी मेथी दाने का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, तब मैं यहाँ पर डालूँगी लहसुन। लहसुन मैंने यहाँ पर 3 से 4 कली ली हूँ और इसको मैंने रफली चॉप की है। आप चाहिए तो इसको थोड़ा बारीक भी कट कर सकते हैं। फिर बाद में मैंने यहाँ पर हींग डाली, पिंच ऑफ हींग डाली। फिर इसको हींग को भी मैंने अच्छी तरीके से थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए, 1-2 सेकंड के लिए मैंने इसको चला दी। फिर बाद में यहाँ पर मैंने करीब 3 से 4 मिर्ची ली हूँ। मिर्ची को भी मैंने ऐसे लंबा कट किया, एकदम बारीक कट नहीं की हूँ। लहसुन और मिर्ची अच्छी तरीके से गोल्डन कलर हो चुका है, इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि इसमें हम जो भी स्टफ़ वाली भिंडी डालेंगे ना उसके साथ भी पक जाएंगे। अब भिंडी को आपको आराम से चलाने का, एकदम ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाने का। अगर आप ज़ोर ज़ोर से चलाएंगे ना तो भिंडी के जो हमने स्टफ़ किए ना, यानी कि जो हमने भरा है, वो गिर जाएंगे यानी कि ख़राब हो जाएगा, और जो हमारे बचे हुए स्टफ़ है ना उसको भी हम इसमें डाल देंगे। आपको चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं दूसरी सब्ज़ी बनाने के लिए, जैसे करेला हो गया या तो फिर बैंगन की, आप उसमें भी इसको डाल सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर उसको भिंडी में डाल दी। करीब 3 से 4 मिनट होने के बाद और बीच बीच में मैंने चलाई, जिस तरीके से भिंडी का कलर भी चेंज हो चुका है। फिर मैंने यहाँ पर नमक डाली क्योंकि मुझे नमक की मात्रा थोड़ी कम लग रही थी। नमक डालने के बाद मैंने उसको आराम से धीरे धीरे चला रही हूँ। आप इसको प्लीज़ बिल्कुल भी ज़ोर से मत चलाइएगा क्योंकि आप ज़ोर से चलाएंगे ना तो आपको पता है कि भिंडी के स्टफ़ ख़राब हो जाएंगे। अब ढक के रखने के बाद 3 से 4 मिनट, जिसकी वजह से कुकिंग बहुत जल्दी हो गई मेरी भिंडी की। अगर आप ढक के पकाएंगे तो कुकिंग आपकी जल्दी हो जाएगी, यानी कि भिंडी जल्दी बन जाएगा। अगर आप खोल के पकाएंगे ऐसे ही तो भिंडी का रंग तो चेंज नहीं होगा, उसी तरीके से हो रहेगा। तो देखिए इस तरीके से मेरी भिंडी हो गई तैयार। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। अभी आपको आज की चटपटी पीनट की भिंडी की सब्ज़ी आपको काफ़ी पसंद आएगी, तो बिल्कुल ना भूलें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट सेशन